हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपका टेक्नीशियन ALP और टेक्नीशियन की भर्ती के ऊपर आपका टेक्नीशियन वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इनका ज्वाइनिंग भी दोस्तों साथ ही होगा और एक लड़के को मेल आ गया है ज्वाइनिंग का। उस मेल पर हम डिस्कस करेंगे और दोस्तों सभी जोन का ज्वाइनिंग टेक्नीशियन का कब तक होगा और बाकी जोन का पैनल क्यों नहीं आ रहा है दोस्तों, और क्या कारण है ये भी हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और टेक्नीशियन का कब तक आएगा दोस्तों, ये भी आपको इसी वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के अंत तक आपको रहना है, और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। आगे आने वाली पल पल की अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहले मैं आपको ये मेल आई है एक लड़के को, क्योंकि आपको पता है दोस्तों त्रिवेंद्रपुरम का है वो, आपका पैनल है वो, सेपरेट पैनल जारी किया गया है जिसके अंदर आपका ALP टेक्नीशियन दोनों को जगह दी गई है। तो ये त्रिवेंद्रपुरम के एक लड़के के पास आया है, क्योंकि अगर पैनल में एक साथ आया तो 1 महीने के अंदर अंदर उनको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, चाहे वो ALP हो चाहे वो टेक्नीशियन हो। तो टेक्नीशियन का जैसे ही पैनल आएगा तो उसके 1 महीने के अंदर में उनको भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ALP को ज्वाइनिंग देंगे और टेक्नीशियन का पैनल बना दिया और उनको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखोगे, कंग्रेचुलेशंस विद वार्म ग्रेटिंग फ्रॉम RRB त्रिवेंद्रपुरम, इट इज टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन प्रीवियसली इम्प्लांटेड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन Grade 3 डीजल इलेक्ट्रिकल कैटेगरी नंबर 31 इन साउथर्न रेलवे। साउथर्न रेलवे के अंदर ही आपका आता है दोस्तों त्रिवेंद्रपुरम, साउथर्न रेलवे। बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन फर्स्ट स्टेज CBT एंड सेकेंड स्टेज CBT सक्सेसफुली वेरिफिकेशन ऑफ योर रिलेप्ड अपॉन डॉक्यूमेंट एंड योर मेडिकली फिटनेस इन द मेडिकल कैटेगरी, द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ साउथर्न रेलवे विल बी एड्रेसिंग यू विद द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इन ड्यू कोर्स। यू मे नोट दैट RRB सेलेक्ट कैंडिडेट्स प्योरली एज पर मेरिट, एंड हेंस यू आर एडवाइज नॉट टू फेल इन टू द ट्रैप ऑफ एनी डाउट्स और जॉब रिकॉर्ड्स इन कंडक्टेडशिप विद योर अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों, इनको बोला गया है कि आपका सिलेक्शन वो बिल्कुल फेयर और मेरिट के हिसाब से हुआ, आपको कोई भी अब बाहर नहीं करा सकता है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपका अपॉइंटमेंट जल्द ही आपके पास पहुंच जाएगा। विद बेस्ट विशेज RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिवेंद्रपुरम। तो दोस्तों, त्रिवेंद्रपुरम के जोन से ये आपका आया है, तो वहाँ से यही अपडेट है कि आपका पैनल आने के लगभग 1 महीने के अंदर में आपको मेल आएगा। मेल के आधार पर ही आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है, मेल पर ही, या फिर आपको ऑफलाइन आपका घर पे भी ज्वाइनिंग आएगा दोस्तों। तो ये प्रोसेस रहता है आपका सभी की, ALP और टेक्नीशियन की। तो दोस्तों, बाकी जोन का पैनल क्यों नहीं आ रहा दोस्तों? तो दोस्तों, ये आपको, आपका किस जोन से हो ये आपको ही पता होगा, कि आपके साथ में अगर ALP और टेक्नीशियन दोनों का मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो आपके जोन के अंदर कितने बच्चों का मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके हिसाब से कितने दिनों तक वो चलेगा, ये आप अपने हिसाब से निकालें। और अगर दोनों का साथ में चल रहा है तो एक कंफर्म है कि आपका पैनल भी साथ में ही आएगा, और ALP और टेक्नीशियन का दोनों का सेपरेट पैनल आएगा, और वो भी आपका मेन लिस्ट है उसी में से एक बार पैनल आएगा, और जो स्टैंड बाई लिस्ट यानी वेटिंग लिस्ट में है उनका उसके बाद में आएगा दोस्तों। ये प्रोसेस चलने वाला है, तो ये आपको ही पता होगा सबसे ज़्यादा पहले तो, कि हमारे साथ ALP और टेक्नीशियन दोनों के मिक्स आ रहे हैं क्या मेडिकल में। और दूसरी बात, कि हमारे जोन में जैसे 1000 लड़के हैं और पर डे 100 कैंडिडेट बुला रहे हैं, तो 10 दिन का मेडिकल है, तो 10 दिन तक मेडिकल होने के बाद में हम लगा सकते हैं कि 5 से 10 दिन के अंदर में आपका पैनल देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों आपका प्रोसेस है। और टेक्नीशियन का पैनल है वो बता दिया आपको, अगर आपका टेक्नीशियन का साथ नहीं हुआ है तो टेक्नीशियन का बाद में आएगा, अगर ALP के साथ में है टेक्नीशियन का तो दोनों का साथ सेपरेटली आएगा। जैसे मैं बता दूं आपको, RRB आपका चेन्नई है, तो दोस्तों उनका दोनों का साथ चला था तो उनका साथ में ही आएगा, ALP और टेक्नीशियन दोनों का सेपरेटली आएगा। साउथर्न रेलवे यही प्रोसेस अपनाया है सारा, तो आपका उन दोनों का साथ में आएगा। जैसे अजमेर जोन हम माने, तो अजमेर का पहले ALP का हुआ है, तो पहले ALP के पैनल आएंगे उसके बाद में टेक्नीशियन के आएंगे। तो ऐसे अलग अलग जोन की अलग अलग कंडीशंस हैं, तो जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आपके जोन से संबंधित तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी हेल्पफुल थी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।